धौलपुर में 9 महीने बाद हुए साधारण सभा की नगर परिषद की बैठक में जमकर हंगामा खड़ा हो गया। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने जैसे ही प्रस्तावों को लागू करने की पोषण की तो घोषणा करते ही पक्ष एवं विपक्ष के पार्षदों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। सभापति एवं प्रशासन के अधिकारियों ने पुलिस को बुला लिया, जिसका विरोध भी पार्षदों द्वारा किया गया। पार्षदों के हंगामे के बीच सभापति ने बिना सहमति के कुछ बिंदुओं को पारित कर दिया, जिनमें आपको बता दें कि 9 महीने बाद शुक्रवार को नगर परिषद सभापति खुशबू के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई। सभागार में जैसे ही सभापति ने प्रस्ताव एवं बिंदुओं को लागू करने की घोषणा की तो बीजेपी एवं कांग्रेस के पार्षदों ने संयुक्त रूप से लामबंद होकर के हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा भी इतना जोरदार हुआ कि सभापति एवं आयुक्त के हाथ पैर फूल गए। पार्षद लामबंद होकर के सभापति एवं आयुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं साठगांठ के आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे। माहौल को गर्म होता देख कोतवाली पुलिस मौके पर बुलाई गई। थाना प्रभारी अनिल कुमार जशोरिया ने समझाइश कर मामले को शांत भी करा दिया, लेकिन विरोध कर रहे पार्षद बैठक का बहिष्कार कर बाहर निकल आए। सभापति एवं नगर परिषद प्रशासन दे दिए सहमति के घोषणाओं को बिना सहमति के घोषणाओं को पारित कर दिया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष कुकू शर्मा ने बताया कि नगर परिषद में विलंब विगत लंबे समय से घोटाला एवं घपला किया जा रहा है, जिसे नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह एवं आयुक्त मिली भगत कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। नगर परिषद की हर शाखा में भ्रष्टाचार पनप रहा है। उन्होंने बताया कि शहीदों को टेंडर एवं ठेके दिए जा रहे हैं। शहर के प्रमुख बाजार एवं गली मोहल्ले विकास से कोशों दूर हैं। सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। नाले नालियों की सफाई नहीं होने से जल भराव की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस एवं भाजपा दोनों ही पार्टी के पार्षद कांग्रेस के वार्डों में विरोध में हैं। पिछले महीने पार्षद द्वारा भूख हड़ताल पर धरना भी दिया गया था। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने मामले की जांच कराने का आश्वासन देकर धरना को शांत कराया था। आज नगर परिषद धौलपुर में बोर्ड की मीटिंग थी, ये करीब 9 महीने बाद आउट हुई थी, लेकिन आज की बोर्ड की मीटिंग में जो कुछ भी हुआ है वो सभापति की हठधर्मिता है, उनकी दादागिरी है। वो किसी भी पार्षद की सुनने तैयार नहीं है एक एजेंडे पे, जबकि उनके कम पार्षद होते हुए उनको उन्होंने सर्वसम्मति से पारित करा दिया, जबकि हमारे 26-27 पार्षद थे उनके खिलाफ हमने जमकर नारेबाजी की है और आगे जो भी कार्रवाई हमसे बन पड़ेगी वो करेंगे। इनका भ्रष्टाचार आगे नहीं होने देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं और धौलपुर की जनता से भी वादा करते हैं। उन्हें परेशान नहीं होने देंगे, ना ही जनता परेशान होगी, ना ही पानी का भराव होगा, ना जब धौलपुर नगर परिषद में भ्रष्टाचार होगा। सद में बोर्ड की मीटिंग थी जिसमें सभी पार्षद SDM साहब, EO साहब और सभी नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद थे। हमारे एजेंडा में 32 पॉइंट थे जिस पर सभी 32 पॉइंटों पर चर्चा की गई। पार्षदों द्वारा कुछ पॉइंटों पर सहमति दी गई और कुछ पॉइंट आगे की बोर्ड की मीटिंग के लिए पेंडिंग में डाल दिए गए। और ये तो बोर्ड की मीटिंग का एक दस्तूर है कि छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन बोर्ड की मीटिंग शांतिपूर्वक शांत हो गई और उनकी जो कुछ पार्षदों की जो नगर परिषद से शिकायत है उस पर हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। साधारण मीटिंग में, आज साधारण सभा की मीटिंग में हंगामा होने की आशंका से अधिकारियों के आदेश से यहाँ पर आए हैं और अब मीटिंग खत्म हो गई है शांति से।